हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए सदाबहार के कितने सुंदर फूल हैं। हम आ गए हैं अपने किचन में और आज मैं बना रही हूँ फूटू या फिर मशरूम। ये मशरूम है, ये देसी मशरूम है जो गांव वाले लेके आते हैं, जंगल में होते हैं और ये उगाए हुए नहीं हैं। तो ये देखिए इस तरह की हैं, इनको हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसको फूटू भी बोलते हैं। और ये मशरूम है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, जो फार्म में उगाए जाते हैं उनकी अपेक्षा ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। तो आज इनकी सब्ज़ी बनाऊंगी और इनको मैंने धो के साफ कर लिया है। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। ये मैंने काट लिए फूटू, मशरूम काट लिए हैं और ये प्याज भी कट करके रख लिए। इधर तेल गरम हो गया है और इसमें मैं मशरूम को भून लूंगी। इनको तेल में ब्राउन होते तक भून लेंगे। इधर मैंने अलग से मसाला भी पीस लिया है, जैसे कि इसमें प्याज, लहसुन, तीन हरी मिर्च और काली मिर्च और खड़ा धनिया, ये सब पीस लिया है। और इधर थोड़ी सी प्याज अलग से काट के रखी है। इनको ब्राउन होने तक भून लेना है। ये देखिए ब्राउन कलर हो गया है इनका और ये भुंज गए हैं। अब इनको अलग बर्तन में निकाल लूंगी मैं। इनको अलग बर्तन में निकाल लिया मैंने और इधर कढ़ाई में फिर से तेल डाल के गरम कर दिया और इसमें जीरा डालेंगे। और ये कटे हुए प्याज, ये देसी मशरूम है और ये जो फार्म में मिलने वाले मशरूम होते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, उनकी अपेक्षा ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं और ये बहुत अच्छे हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत होती है। ये जंगल में जो वामी वगैरह होती है उसमें निकलते हैं बारिश के मौसम में, और वो जो फॉर्म वाले हैं वो कभी भी मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन ये जो मशरूम है ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही मिलते हैं। अब इसमें ये जो पिसा मसाला है इसको भी डाल देंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर,
ये आधा चम्मच लाल मिर्ची, थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च कुछ मसाले में पीस दी थी और मिर्ची वैसे कम ही डालते हैं हमारे यहाँ। एक चम्मच नमक, हरी मसाला भून लेंगे अच्छे से। मसाला भून गया है और इसमें ये भुने हुए मशरूम को डाल देंगे, इनको डाल देंगे। ये देखिए इनको थोड़ा और भूनेंगे, उसके बाद पानी डाल देंगे। बन गया है, अब इसमें पानी डाल देंगे। पानी अपने अनुसार डालना है, जितना रखना हो पानी। अब इसे थोड़ी देर 10-5 मिनट और बनने देंगे, उसके बाद सब्जी तैयार। ये देखिए सब्जी हमारी बन के तैयार है। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे अलग बर्तन में निकालूंगी। ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है हमारी। और इधर मैंने आटा भी गूंथ लिया है रोटी बनाने के लिए। और आप मुझे बताइए कि हमारी ये मशरूम या छोटू की सब्जी कैसी लगी, और शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।